लड्डू गोपाल को नहीं मिली ताजमहल में एंट्री, आंदोलन की मिली धमकी और इससे जुड़ी सारी डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में। 7 अजूबों में से एक ताजमहल से एक ऐसी घटना सामने आई है जो अब चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल सोमवार को ताजमहल में जयपुर से आए पर्यटक अपने लड्डू गोपाल के साथ अंदर जाना चाहते थे, पर वेस्ट गेट से ताजमहल में एंट्री करने पर DFMD पर चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी ने लड्डू गोपाल को अंदर ले जाने से मना कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ताजमहल के अंदर धार्मिक चीजें और प्रतीक नहीं लेकर जाया जा सकता। मथुरा और वृंदावन में दर्शन करने के बाद ये पर्यटक ताजमहल देखने पहुंचे थे। पर्यटकों को अपने लड्डू गोपाल को दुकान में ही रखना पड़ा और उसी के बाद उनकी एंट्री की गई। उन्होंने ये भी बताया कि उनके मुताबिक लड्डू गोपाल उनके परिवार का हिस्सा है और अब तक वो हर जगह उनको साथ लेकर ही गए हैं, बस ताजमहल में उनको रोका गया है। इस पूरी सिचुएशन पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष गोविंद पराशर ने CISF के जवानों और ताजमहल के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने ताजमहल परिसर में अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दी है। और वहीं हिंदू महासभा अध्यक्ष ने कहा है कि ताजमहल के नियमों में मनमानी की जा रही है और ये अपमानजनक है, ये एक आस्था से जुड़ा मामला है। आप इस पूरे केस पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।